हेलो एंड वेलकम टू ऑल दी थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय जेएम। एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, काफी लंबे समय से जिसका इंतजार हो रहा था। इंडियन फैंस खास तौर पर कर रहे थे कि कब आएगा एशिया कप का स्क्वाड। उसका स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर उस स्क्वाड में दोनों ही बल्लेबाज शामिल है वहां पर। लेकिन एक समस्या, बड़ी ये समस्या पैदा हो गई है भारतीय टीम के लिए कि उसके बाद एक अपडेट देते खुद जो सिलेक्टर है अजीत आगरकर, वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि श्रेयस अय्यर एशिया कप के लिए पूरी तरीके से फिट है, उन्हें फिट घोषित कर दिया गया है। लेकिन केएल राहुल के थोड़े से निगल है और उनका ये मानना है कि केएल राहुल जो है वो एशिया कप में दूसरे या तीसरे मैच तक फिट हो जाएंगे। यानी ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो पहला और दूसरा मैच खेल पाए। तो यही अब फैन सवाल उठा रहे हैं कि क्या केएल राहुल जो पूरी तरीके से फिट नहीं है उनको एशिया कप ले जाना ठीक है या फिर नहीं, क्योंकि ये तो बीसीसीआई खुद कह रहा है कि वो अभी पूरी तरीके से फिट नहीं है। और अगर मान लीजिए कि पहली बात तो बीच में अगर नहीं फिट हुए तब आप क्या करेंगे, फिर आपको अपने प्लान्स बदलने पड़ेंगे जो होंगे। और अगर मान लीजिए वो एकदम दो से तीन मैच बाद फिट भी हो जाते हैं तो क्या वो उस कंडीशन में रहेंगे कि सडनली वो एशिया कप खेले पाकिस्तान के अगेंस्ट या किसी भी टीम के अगेंस्ट जब उनका मैच पड़ता है तो वो खेलने के उस जोन में रहेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा क्योंकि अजीत आगरकर जब खुद कह रहे हैं कि वो अभी पूरी तरीके से फिट नहीं है, फिर भी उनका एशिया कप में शामिल होना ये चीज दर्शाता है कि टीम इंडिया पता नहीं अब कौन से फैसले ले रही है, किस तरह से फैसले ले रही है। चहल उस स्क्वाड में नहीं होते हैं, जो खिलाड़ी फिट नहीं होता है आप उसको ले जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया एशिया कप जीत सकती है इन सारी चीजों के होते हुए जहाँ पर कोई फिट नहीं है, किसी को फर्जी में बाहर किया जा रहा है सिर्फ एक मैच के बिना पर। तो आप बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या टीम इंडिया एशिया कप जीतेगी या फिर नहीं।